दोस्तों हम अभी जा रहे हैं मेहता बाग। मेहता बाग तो आपने सुना ही होगा, ये राजाओं के जमाने का ही है पार्क। चलो चलिए चलते हैं, बताते हैं उस। देखिए दोस्तों, ये मेहता बाग का जो रास्ता है ये ताजमहल के पीछे से ही जा रहा है। यहाँ से ताजमहल भी दिखता है, मैं आपको दिखाऊंगा। और रास्ता कितना सुंदर है देख सकते हो आप। देखिए दोस्तों, यहाँ से ताजमहल भी दिखता है। वैसे हम जाएंगे ताजमहल को एक्सप्लोर करने, आपको ले जाऊंगा मैं वीडियो के द्वारा। लेकिन देखिए यहाँ पीछे से, हम पीछे में ही है ताजमहल के। ये देखो मेरे बेटे ने फॉरेनर के साथ फोटो खिंचाने की जीत की। दोस्तों हम आए अभी मेहता बाग यानी चांदनी बाग, जो कि 1631 से 1635 के बीच में बनाया गया। ये बाबर राज्य काल में पानीपत युद्ध के 20 अप्रैल 1526 जीतने के पश्चात शीघ्र ही आगरा आ गए थे। और ग्रीष्म ऋतु यहाँ उसे गर्मी और लू और धूल से बहुत सताया था। उसने अपनी आत्मकथा में यह शिकायत की थी, ये कृत्रिम नहरों का झरने के द्वारा बहते हुए पानी की व्यवस्था नहीं है। मतलब ये मुगलों के हाथ का ही गार्डन है पार्क। चलिए आपको दिखाते हैं अंदर में। तो देख सकते हो दोस्तों, ये अकबर कालीन मेहता बाग पार्क कितना सुंदर है। और कितनी प्रजाति के यहाँ पे पेड़ पौधे देख सकते हो आप। और कितना सुंदर वातावरण है यहाँ का। जैसे अकबर यहाँ पे पानीपत का युद्ध जीतने के बाद आए थे, तो यहाँ पे क्या एक्चुअल गर्मी बहुत होती है, लू धूल ये सब यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया है, ये कृत्रिम पार्क के रूप में यहाँ पे झरने पानी ऐसा कुछ बनाया है कि दिल को सुकून मिले। और ये यमुना नदी के किनारे एक साइड ये बना हुआ है, और एक साइड ये देखिए दुनिया का आठवां अजूबा, ये देखिए। ओ भाई साहब, एट वंडर ऑफ द सिंबल ऑफ लव, जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। यहाँ पेड़ों की प्रजाति बहुत मिलेंगी आपको, देख सकते हो आप। उस जमाने के ही कुछ पेड़ है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पंछियों की चहचहाट कितनी है, और यहाँ पे पेड़ देखिए कितने हैं, पूरा जंगल समझ लो। लेकिन एक तरीके से रखे हुए पेड़ दिखते हैं, ऐसे नहीं कि कोई कहीं पे भी कोई कहीं पे भी। और ये ताजमहल यहाँ होने से तो और खूबसूरती बढ़ जाती है। तो ये है मेहता बाग, जिसे अकबर ने बनवाया था, और शाहजहाँ ने भी इसको और आगे प्रोग्रेस मतलब रिवेनेट किया था मेहता बाग को। यहाँ ऐसे तो कुछ है नहीं, लेकिन पेड़ पौधों का जिसको शौकीन हो उसके लिए तो ये जन्नत है। यहाँ से बैठ के ताजमहल को निहारना, आप ही बताइए कितना सुंदर लगेगा। ये देखिए, ये है थोड़ा कुछ पुराना बनावट, देखते हैं यहाँ पे क्या है। खंडर जैसा तो हो चुका है। और ये पेड़ देखिए कितने सारे पेड़ हैं। ये दोस्तों 25 एकड़ में बना हुआ है। 25 एकड़ किसे कहते हैं आप भी समझ सकते हो। ये किसी तरह की कोई बिल्डिंग रही होंगी जो अब धराशायी हो चुकी है। लोग हैं पूरे, जैसे अपन खड़े हुए खड़े।
तो देख सकते हो दोस्तों, ये पेड़ पौधों की संगत के साथ ये पंछियों की चकचकाहट, कुछ अलग ही मज़ा मिलता है यहाँ पे। चलो इस साइड देखते हैं, इस साइड कौन से पेड़ है। ये देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है, घास से बना हुआ रास्ता, सीधा रास्ता, फिर वहाँ से लेफ्ट, और पेड़ों की रखरखाव देखिए बिल्कुल लाइन से, और इधर ताजमहल ये देख सकते हो आप, ये सीधा रास्ता और ये यहाँ से दिखता है ताजमहल बिल्कुल बीचों बीच। और ये सामने फाउंटेन, चलिए फाउंटेन दिखाता हूँ आपको। ये दोस्तों देखिए, ये पुराना फाउंटेन है, अभी तो ये बंद हो गया है, लेकिन जिस समय ये रहा होगा तो क्या नज़ारा रहा होगा। और मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे कुछ नहीं होते हुए भी बहुत कुछ है, मतलब ऐसा फील आता है यहाँ पे एक स्मूथनेस, शांति, पीसफुल, देख सकते हो। और ये पेड़ जैसे सिपाही खड़े होते हैं ना दरबार में, उसी तरह देखिए ये पेड़ों का, उसी तरह से लगाए हैं पेड़, देख सकते हो आप। और बाकी और आगे भी पेड़ लगाना चालू है, पता नहीं इसमें ओल्ड वाले पेड़ कौन से हैं, उतना तो पता नहीं, लेकिन शायद कुछ पेड़ हो सकते हैं। और ये देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ दिखी मुझे दोस्तों, ये लाल पत्थर का डस्टबिन है, ये जो लाल पत्थर है ना उसका डस्टबिन है, देखिए ये पत्थर का है दोस्तों और इसको डस्टबिन बनाया गया। बताइए ऐसा डस्टबिन देखा है आपने कहीं। तो चलिए दोस्तों, आपको ताजमहल का तो फुल एक्सप्लोर करके मैं कल या परसों में दिखाता हूँ, क्योंकि जहाँ शादी में आया हूँ वहाँ शादी भी निपटाना है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया होगा ये नेचर वाला वीडियो, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साथ में मेरे फेसबुक पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं और भी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा मुझे। धन्यवाद दोस्तों।